नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, बड़ी खबर यहां पे अखिलेश यादव के हवाले से आ रही है। अखिलेश यादव को सपना आया था। जी हां, बड़ी खबर यहां पे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हवाले से आ रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव को बीती रात सपना आया कि मुलायम सिंह यादव उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो है वो सपा को अपने पास रखना, यानी कि सपा की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे से निभाना, मैं ऊपर से देख रहा हूं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो जा चुके हैं अब, और अखिलेश यादव को बीते दिनों से अपने पिता के सपने आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव सपनों की कड़ी में, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, यहाँ पे और भी सपा के कितने कार्यकर्ता हैं, कितने बड़े बड़े नेता हैं, वो यही बात दोहरा रहे हैं कि हमें मुलायम सिंह यादव, हमारे सपनों में मुलायम सिंह यादव आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, एक भगवान के रूप में आते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं कि बेटा ये करो ये नहीं करो। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखिए, क्योंकि उनके प्रति यानी मुलायम सिंह यादव के प्रति जिन जिन को सपने आते हैं उनके उनके लिए देखिए काफी स्नेह था, प्यार करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के तो पिता थे और जितने भी कार्यकर्ता नेता थे उन सभी को देखिए नेताजी प्यार करते थे, संभालते थे, अपने बेटों की तरह रखते थे। तो इसलिए देखिए, ये सपने आना लाजमी है, अगर आए हो या ना आए हो तो भी देखिए एक अफेक्शन तो था ही हर किसी का मुलायम सिंह यादव से। तो इसलिए देखिए, यही बातें बनाई जा रही है, यही सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को भी सपना आया था और अखिलेश यादव जितना ज्यादा हो सके अपने पिता को याद करते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, कभी कभार भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जब आए थे पीछे तब नीतीश कुमार को देखते ही भावुक हो गए थे, गले लगकर रोए थे अखिलेश यादव। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, ज्योतिरादित्य भी देखिए काफी रोए थे अखिलेश यादव के गले लगकर। बहरहाल यहाँ पे देखिए, अखिलेश यादव के पिता का निधन हो चुका है, अब दिवाली है, दिवाली पर सफाई सूना रहेगा क्योंकि कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा एक साल तक। अब देखना होगा कि यहाँ पे अखिलेश यादव की चुनावी पारी कब शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।